आज पहन रही हूँ पायल सिंगल के अटायर को, और मैं आज सच दच के आई हूँ अपने दोस्त के लिए, क्योंकि वो बहुत दिल से आर्ट बनाती हैं और जो भी करती हैं बहुत दिल से करती हैं। मेरा इनके साथ जो ताल्लुक़ रहा है वो बहुत समय से रहा है, तो आई रियली लव अनु। तो हम एक दूसरे को जानते हैं आई थिंक करीबन 10 साल हो गए, और हमने एक्चुअली हाथ से हाथ मिला जो एड्स अवेयरनेस के लिए एक वीडियो शूट किया था, वो उनकी एग्जैक्टली सो वी हैड डन अ होल डॉक्यूमेंट्री फॉर बीबीसी, और वो उनकी डायरेक्टर रह चुकी हैं, हमारी मेरी डायरेक्टर रह चुकी है। तो वहाँ से डायरेक्टर से सडनली आर्टिस्ट जो बनी है ये, मुझे ये ट्रांजिशन बड़ा अच्छा लगा है। एंड शी इज़ रियली डन सम ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, एंड राइटफुल है इस एग्जीबिशन को आर्ट एंड सोल बुलाना, सो आई जस्ट हैड टू शो माई सॉलिडारिटी। अब इतना सारा कर रही है, फिल्म्स करती हैं, अभी वीडियो इतना सारा करते हैं, नहीं फैशन करते हैं, तो ये क्रिएटिविटी तो है। दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम है, उनको बताना नहीं चाहिए कुछ भी। नहीं, पर आपसे किताब लिखी है, अभी योगा करती है, सब क्रिएटिविटी तो है, और क्या है। हाँ, मैं पेंट करती हूँ अपने फेस को, नहीं मीनिंग मेकअप, डोंट गेट आइडियाज। शिल्पा जी आपके दिवाली के, जैसे सब लोग प्लान करते हैं वही, हमारे घर में लक्ष्मी पूजा होता है और दिवाली की पार्टी हम रखते हैं, तो वो एक पार्टी होती है जहाँ पे मैं सारे अपने फ्रेंड्स को, राज के फ्रेंड्स को बुलाती हूँ, और मैं बहुत मतलब मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ। और बहुत अच्छा कलर्स का समावेश किया हुआ है, वो देख के बड़ा ही प्लीजिंग है, और बड़े डिफरेंट कलर हर पेंटिंग में, अलग तरह की कलर स्कीम है। आप कई पेंटिंग में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हैं, कई ग्रीन येलो और रेड का, जो कलर्स आपस में नहीं भी मिलते उनका भी बहुत अच्छे से समावेश है, कॉन्ट्रास्ट कलर्स हैं, और कई बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, तो ये देख के बड़ा प्लीजिंग लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं अभी वही देख ही रहा हूँ उसको, और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रैंकली इतना बहुत नॉलेज नहीं है मुझे, बट द कॉम्बिनेशन, चंदन इज एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ, इज एन अमेजिंग पेंटर हिमसेल्फ, तो चंदन आप समझाओ। जैसे मैं अभी इनकी पेंटिंग्स देखी मैंने, सो इसमें एक बड़ा एक अच्छा एक रिदम इन्होंने सेट किया हुआ है कलर्स के साथ, चाहे उसमें आपको वो पहाड़ बनाए हैं, लेकिन पहाड़ ऐसे रियलिस्टिक होंगे नहीं, सो दिस इज़ सेमी रियलिस्टिक, तो इन्होंने एक फ्लो को इस तरह से सेट किया है कि वो एक रिदम में है, और हर पेंटिंग में, एक पेंटिंग को देखोगे तो एक पेंटिंग में मिलियंस ऑफ पेंटिंग्स हैं, सो ये एक बड़ा ही यूनिक स्टाइल है जो मैंने इनके अंदर देखा, और आप किसी भी पेंटिंग को देख लो, हर पेंटिंग में एक स्टाइल आपको नज़र आएगा, और लेकिन एक स्टाइल होने के बावजूद भी उसमें हज़ारों लाखों पेंटिंग्स मिलेंगी। जैसे आप ये पेंटिंग देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी पेंटिंग है, लेकिन आप इस पैच को खाली देखें, ये अपने आप में एक पेंटिंग है, अगर आप इसका एक फ्रेम बनाएं तो ये अपने आप में एक पेंटिंग है, ये अपने आप में पेंटिंग है, ये अपने आप में पेंटिंग है, ये अपने आप में पेंटिंग है, सो देर आर मिलियंस ऑफ पेंटिंग्स इन वन पेंटिंग, सो ऐसे ही आप जितना भी वो देखें, एक एक जैसे एक कमाल का टेक्सचर क्रिएट किया इन्होंने, सो आई रियली लाइक ऑल द पेंटिंग्स, तो जैसे वो पेंटिंग के सामने वो, उसमें भी आप सेम इस तरह का ही रिदम देखेंगे, सो एक बड़ा ही अच्छा, जैसे बंदे के ड्रीम्स आते हैं ना जिस तरह से, तो बिल्कुल वैसा वाला उन्होंने फ्लो क्रिएट किया है, सो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। यू वांटेड टू अंडरस्टैंड इट, तो इसीलिए मुझे कलर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, ईच पेंटिंग इज़ वेरी नाइसली, आई थिंक बैलेंस जो है कलर्स के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बस कलर यू नो डाला हुआ है, एग्जैक्टली एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग, एवरीथिंग इज सेइंग समथिंग।